एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून। हमारा जो विषय पेपर चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, जो कि आपके पेपर सेवेंथ ग्रुप बी का फर्स्ट है। आज हमारा जो विषय है वह है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है, इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। आज हम ये करेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ, और अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है, इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। सबसे पहले करेंगे इसका परिचय। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, कोई भी विद्वान का एक मत नहीं है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इसे न्यायशास्त्र तथा विधि शास्त्र का अंग मानते हैं, न्यायशास्त्र तथा विधि शास्त्र का अंग मानते हैं। कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं, न्यायशास्त्र का अंग या विधि शास्त्र का अंग, न्यायशास्त्र या विधि शास्त्र का अंग मानते हैं। न्यायशास्त्र का इंग्लिश में होता है मतलब ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस, न्यायशास्त्र या विधि शास्त्र का अंग मानते हैं। यह विद्वान, ये जो मानते हैं यह विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न देशों की साधारण दंड विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न देशों की साधारण दंड विधि, साधारण जो दंड विधि होती है, तथा व्यवहार विधि, जिससे वे व्यवहार करते हैं, व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं। यह विद्वान क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को है उसको विभिन्न देशों की साधारण दंड विधि या व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं, व्यवहार विधि की श्रेणी में रखते हैं। कुछ अन्य विद्वान, अलग जो विद्वान है, कुछ अन्य विद्वान इसे नीतिशास्त्र, एथिक्स, नीतिशास्त्र मीन्स एथिक्स, नीतिशास्त्र से ऊंचा स्थान नहीं देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नीतिशास्त्र से नीचा है, उससे ऊपर इसको स्थान नहीं देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नीतिशास्त्र से ऊंचा स्थान नहीं देते हैं। राज्यों की संप्रभुता के संबंध में एकलवादी दृष्टिकोण के समर्थक, एकलवादी सिंगल, राज्यों की संप्रभुता के संबंध में, राज्यों की जो संप्रभुता है उसके संबंध में एकलवादी दृष्टिकोण प्रकट करने वाले पुराने विधि शास्त्रियों का मत है कि एकलवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, जो कि पुराने विधि शास्त्री भी हैं, उनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व नहीं है। ये किसने कहा, ये कहा एकलवादी दृष्टिकोण प्रकट करने वाले पुराने विधि शास्त्रियों ने कहा, एकलवादी दृष्टिकोण के समर्थक पुराने विधि शास्त्रियों ने कहा क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। दूसरी तरफ विद्वान हुए हॉल, हॉल और लॉरेंस, दूसरी तरफ जो विद्वान है हॉल और लॉरेंस, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मत व्यक्त किया है कि, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है
अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूरी तरह अलग है, पूरी तरह भिन्न है और विधि की भांति ही क्रियाशील है। पूरी तरह अलग है और विधि की भांति ही क्रियाशील है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं पुराने विधि शास्त्री एकलवादी दृष्टिकोण वाले के इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून का। दूसरी तरफ हॉल और लॉरेंस जो विद्वान है वो क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतः भिन्न है और विधि की भांति क्रियाशील है। पूर्णतः भिन्न है और विधि की भांति ही क्रियाशील है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में दो तर्क दिए जाते हैं, ये तो इसका परिचय हो गया यहाँ तक। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में दो तर्क दिए जाते हैं, दो तर्क। एक तर्क इसके विपक्ष में है और दूसरा तर्क इसके पक्ष में है। एक तर्क जो के विद्वान जो है वो इसके विपक्ष में है, वो ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून हो ही नहीं सकता, और दूसरे विद्वान जो इसके पक्ष में है वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। तो एक पक्ष है विपक्ष और एक पक्ष है पक्ष। एक तर्क विपक्ष के हैं और एक तर्क पक्ष के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इसके विपक्ष में दिए गए तर्क विपक्ष में जो तर्क दिए गए उनको करेंगे हम पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क। आर्ग्यूमेंट्स एडवांस अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट्स एडवांस अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क। आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ इसमें क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना स्वीकार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना है ना स्वीकार करने वाले जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को ना स्वीकार करने वाले विचारकों में कौन कौन है विचारक विचारकों में जॉन ऑस्टिन कॉमा लगाते हैं ना जॉन ऑस्टिन हॉलैंड बैटल ब्राउन गार्नर लॉर्ड सेलिसबरी हॉब्स पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख है। कौन कौन से उदाहरण आए जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है विपक्ष में बोल रहे हैं। उसमें विचारक कौन कौन से हैं विचारकों में जॉन ऑस्टिन हॉलैंड बैटल ब्राउन गार्नर लॉर्ड सेलिसबरी हॉब्स और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा जॉन ऑस्टिन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास मिलना अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। इट इज़ नॉट अ ट्रू लॉ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। कौन कह रहे हैं जॉन ऑस्टिन। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ है ही नहीं। यह तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है जिसमें केवल नैतिक नियमों की बात होती है नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या कहा जॉन ऑस्टिन ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ कानून है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ सच्चा कानून है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ क्यों नहीं है क्योंकि यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। नैतिक नियम मॉरल रूल्स मॉरल लॉस नैतिक नियम मॉरल लॉस नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है ये जॉन ऑस्टिन ने कहा। जॉन ऑस्टिन ने इसी में इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना जॉन ऑस्टिन ने कानून शब्द का प्रयोग केवल जॉन ऑस्टिन ने जो कानून शब्द का प्रयोग किया है वो केवल ऐसे नियमों के लिए करना उचित माना है जिनको विधि निर्माण का अधिकार रखने वाले किसी निश्चित संस्था के द्वारा बनाया गया हो।
क्या माना है जॉन ऑस्टिन ने? जॉन ऑस्टिन ने कानून शब्द का प्रयोग केवल ऐसे नियमों के लिए करना ही उचित माना है। कानून शब्द का प्रयोग केवल ऐसे नियमों के लिए करना उचित माना है। कौन से नियम? जिनको विधि निर्माण का अधिकार रखने वाले, ऐसे लोग जिनको विधि के निर्माण का अधिकार है, या ऐसे राज्य विधि निर्माण का अधिकार रखने वाले किसी निश्चित संस्था के द्वारा बनाया गया हो, तथा जिसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता हो, कानून के पीछे, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। कानून जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून या कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना आवश्यक है। यदि बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी तो कानून कानून नहीं रह जाएगा। कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से, ये जो दृष्टि है कि बाध्यकारी शक्ति होना आवश्यक है, यदि इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए तो वह कानून नहीं कहा जा सकता है। जॉन ऑस्टिन ने कहा, यदि कानून के पीछे क्या है, कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है, और यदि इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए कि उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति है कि नहीं, तो इसे कानून कहा ही नहीं जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो, इसके पीछे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति, मॉरल फोर्स होती है। इंग्लिश में मॉरल फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं केवल नैतिक शक्ति। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। सामान्य स्वीकृति जो है राज्यों की, उनके आधार पर किया जाता है। तो जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता है। जॉन ऑस्टिन, कानून शब्द का प्रयोग किया है वो केवल ऐसे नियमों के लिए करना उचित माना है जिनको विधि निर्माण का अधिकार रखने वाली निश्चित संस्था। कानून के पीछे क्या होता है, कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति है ही नहीं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति है, ओनली मॉरल फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे क्या, केवल नैतिक शक्ति है जिसका पालन
राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। राज्यों की जो सामान्य स्वीकृति है उसके आधार पर किया जाता है। ये थी पहले विद्वान जॉन ऑस्टिन जो विपक्ष में तर्क दे रहे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है। आगे के विद्वानों के विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में जिन्होंने तर्क दिए हैं उनके विचार अगली कक्षा में करेंगे।